गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडेज चैप्टर चैप्टर 5 इज येटी। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, दिस इज स्टार्टर। हुज फुटप्रिंट्स आर दीज? मार्च द पिक्चर्स ऑफ फुटप्रिंट्स टू द एनिमल्स हु मेड देम। दीज आर द फुटप्रिंट्स एंड दीज आर द एनिमल्स। लाइक दिस इज एन एलिफेंट, डायनासोर, लायन एंड एन एप। यू हैव टू मैच द पिक्चर, यू हैव टू मैच द फुटप्रिंट्स विद द गिवन एनिमल्स। क्लियर? नाउ स्टार्ट reading the chapter. In 1974, teenager Lakpa lived in a Nepalese village high in the Himalayan mountains. There was one girl, Lakpa. Where she lived in Nepalese village high in the Himalayan mountains. Each day she climbed the pathway up the mountain to graze a herd of yaks. Each day means daily wo apne yaks ko, as you know, on mountains द एनिमल्स हु लिव देयर आर याक्स, मोस्टली द याक्स आर देयर। तो वो अपने याक्स को लेकर ग्रेज कराने के लिए, ग्रेज मीन्स टू फीड दम, दे यूज टू ईट ग्रास। तो वो उनको ग्रास ईट कराने के लिए माउंटेन्स पर लेकर जाती थी। लाकपा सॉ फ्यू पीपल ऑन द स्टीप माउंटेन पाथ्स, ओनली बुद्धिस्ट मॉन्क्स हु चोज टू बिल्ड देयर मोनेस्ट्रीज फॉर फार अवे फ्रॉम द टाउन एंड द सिटीज लिफ्ट दिस हाई अप। अब जब वो डेली लेकर जाती थी, वहाँ उसको बहुत कम लोग दिखते थे, बिकॉज जो माउंटेन्स थे, जो हाई माउंटेन्स थे, वहाँ पर कौन रहते थे? केवल मॉन्क्स रहते थे, जिन्होंने अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ा था और वो मिनिस्ट्रीज बनाकर वहाँ पर रहते थे। लाकपा हैड हर्ड टेल्स ऑफ द येटी एंड एप लाइक बीस्ट दैट लिव्ड इन द हिमालयाज। जो लाकपा थी, उसने येटी के बारे में स्टोरी सुनी हुई थी, बहुत सारी स्टोरी सुनी हुई थी कि हिमालयाज में कौन रहते हैं, येटी रहता है। येटी इज एन एप लाइक बीस्ट, एप की तरह, दिस इज एन एप, इसकी तरह एक बीस्ट होता है, एक एनिमल होता है, उसके बारे में उसने सुना हुआ था। बट माउंटेन्स स्ट्रेच फ्रॉम फॉर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, शी नेवर एक्सपेक्टेड टू सी वन हरसेल्फ। अब जो माउंटेन्स थे वो बहुत ज्यादा फैले हुए थे, तो उसने कभी ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो उनको कभी देख पाएगी। नाउ कम टू द पेज नंबर 7171। One day as Lakpa was grazing the herd, she noticed that the yak seemed restless. एक दिन क्या होता है, जब Lakpa अपने yaks को graze करा रही थी, eat करा रही थी grass, तब वो notice करती है कि जो yaks है वो restless हो गए हैं, वो थोड़े परेशान से हो गए हैं। She thought that a bear or a snow leopard might be nearby. उसको लगा कि शायद आसपास में snow leopard होगा या फिर bear होगा, जिसकी वजह से जो yak है वो disturb है। Lakpa led the yaks to a clear snow-fed stream. अब जो Lakpa थी वो disturb थे, इसलिए उनको एक snow-fed stream पर लेकर जाती है। As you can see in the picture, there is a snow-fed stream. She had a drink of water from the stream and then watched as the yaks fed on the tough mountain grass. वो वहाँ से थोड़ा सा water drink करती है और अपने yaks को watch करती है कि वो लोग वहाँ पर grass eat कर रहे हैं। Suddenly, Lakpa heard a strange deep grunt. एकदम से अचानक से लाकपा को एक साउंड सुनाई देती है। शी वर्ल्ड अराउंड एज अ ह्यूज टू लेग्ड क्रीचर कम रशिंग टूवर्ड्स हर। जैसे ही वो टर्न करती है, जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ती है, तो वो देखती है कि टू लेग्ड क्रीचर केम रशिंग टूवर्ड्स हर, उसकी तरफ एक क्रिएचर जो दो पैरों पर चल रहा है, भागता आ रहा है। आपने देखा है कि जो एनिमल्स होते हैं, दे हैव फोर लेग्स, वो फोर लेग्स पर चलते हैं। बट दिस क्रिएचर वॉज रशिंग टू ऑन टू लेग्स, उसकी तरफ भागता चला आ रहा है। इट वॉज अ येटी, वो कौन था? इट वॉज अ येटी। Terrified, she broke into a run. एकदम डरी हुई सी वो भागती है, but it was too late. लेकिन बहुत देर हो जाती है। The yeti grabbed Lakpa in its long, hairy arms. जो yeti था वो उसको पकड़ लेता है अपनी long, hairy arms में। She screamed and kicked, but the yeti was too strong. वो चिल्लाती है और उसको kick भी करती है, but वो कुछ नहीं कर पाती, as the yeti was very strong. Then without warning the beast dropped her into the icy stream and turned to her yaks. तब एकदम से क्या होता है, अचानक से येटी उसको स्ट्रीम में फेंक देता है, as you can see in the picture, उसको उसमें ड्रॉप कर देता है और वो उसके याक्स की तरफ भागता है। With powerful blows, it quickly killed three of the enormous beast. अब उसमें से जो येटी था वो three beast को मार देता है, because he was very strong. Lakpa crawled out of the stream and ran home as fast as she could. Lakpa stream से निकलती है और अपने घर की तरफ भागती है। When the police investigated the scene, अब वो घर जाकर सब कुछ सिनारियो जो भी हुआ वो सब कुछ इन्फॉर्म करती है पुलिस को। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। What they found the yeti's large footprints but not the yeti. वहाँ पर उनको yeti के footprints मिलते हैं लेकिन yeti नहीं मिलता। Lakpa's story is similar to many other tales of the yeti reported by people living in the Himalayas. जो लाकपा की स्टोरी थी, जो
उसने पुलिस को बताया था वो बिल्कुल वैसी थी जैसा कि माउंटेन्स पर रहने वाले और लोगों ने येटी के बारे में बताया था. माउंटेनरीज ड्रॉन बाय द चैलेंज ऑफ एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज हैव ऑल्सो टोल्ड चिलिंग टेल्स ऑफ दिस एप लाइक बीस्ट. अब जो माउंटेनरीज होते हैं जिनको एडवेंचर का बहुत शौक होता है वो माउंटेन्स पर जाते रहते हैं तो उनको माउंटेन्स तो अट्रैक्ट करते ही करते हैं, साथ में जो ये बीस्ट था, जो ये एप था, एप लाइक बीस्ट था, उसकी स्टोरी भी लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी. द नेम येटी कम्स फ्रॉम द शेरपा वर्ड ये दी विच मीन दैट थिंग. द एबोमिनेबल स्नोमैन इज अनदर नेम फॉर द येटी. तो मीन्स अनप्लीजेंट, ये एक स्नोमैन था जो अनप्लीजेंट था जिसको हम क्या बोलते हैं, येटी बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 72. इन 1951 माउंटेनियर एरिक शिप्टन एंड हिज पार्टी वर एक्सप्लोरिंग एन अननोन पार्ट ऑफ द हिमालयस वेयर दे केम अक्रॉस अ लाइन ऑफ स्ट्रेट फुटप्रिंट इन द स्नो. अब 1951 में एक माउंटेनियर था एरिक शिप्टन, वो अपनी पार्टी के साथ हिमालयस को एक्सप्लोर कर रहा था. वहाँ पर मतलब वो एक्सप्लोर करते हैं ना, मतलब ढूंढते हैं हिमालयस पर क्या क्या है. तो उन्होंने क्या एक स्ट्रेंज चीज़ देखी, अजीब सी चीज़, कि एक लाइन है, किसकी लाइन है, फुटप्रिंट्स की, स्नो में एक लाइन बनी हुई है पूरी. द फुटप्रिंट्स लुक सिमिलर टू ह्यूमन फुटप्रिंट्स, जो फुटप्रिंट्स थे वो ह्यूमन फुटप्रिंट्स की तरह दिखते थे, बट देवर ट्वाइस एज वाइट, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड थे, हम लोगों ह्यूमन से बहुत ज़्यादा ब्रॉड थे. दैट दे हैड सन्क मच डीपर इन टू द स्नो दैट द क्लाइंबर्स बूट्स प्रिंट. अब जो क्लाइंबर्स होते हैं जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं वो बूट्स पहनते हैं, लेकिन जो वो फुटप्रिंट्स थे वो उनके बूट से भी ज़्यादा अंदर तक, जो स्नो थी उसके अंदर तक धसे हुए थे. सो दे मस्ट हैव बीन मेड बाय एन इनक्रेडिबली हैवी क्रिएचर. तो इससे ये पता चलता है कि जो वो क्रिएचर था वो कैसा था, बहुत हैवी था, कि इतना हैवी था कि जिसके पैर आइस के अंदर, स्नो के अंदर धसे हुए थे. मोस्ट अमेजिंग ऑफ ऑल द क्लियर टो प्रिंट शोड दैट द क्रिएचर वॉज वॉकिंग बेयरफुट इन द फ्रीजिंग स्नो. सबसे अमेजिंग बात ये थी कि जो क्रिएचर था उसके फुटप्रिंट से ये पता चल रहा था कि वो बेयरफुट था. बेयरफुट मतलब नंगे पैर था, इतनी स्नो में भी, ऐसी स्नो में वो नंगे पैर चल पा रहा था. इन 1970 अनदर माउंटेनियर हैड एन इवन क्लोजर एनकाउंटर विद द येटी. अब 1970 में भी एक माउंटेनियर का एक वो होता है, क्लोजर एनकाउंटर होता है येची के साथ. डोन विलियंस वॉज क्लाइंबिंग इन द हिमालयस व्हेन अ शेरपा गाइड कॉल्ड आउट येची कमिंग. अब जो डोन विलियंस थे वो माउंटेन्स पर आए हुए थे और तभी जो जिस डोन का गाइड था शेरपा वो चिल्लाता है येची कमिंग, येची कमिंग. डोन लुक्ड अप बट नॉट कॉट अ क्विक लुक एट द ब्लैक एप लाइक फिगर बिफोर इट डिसअपियर्ड बिहाइंड अ रिज. अब जैसे ही वो चिल्लाया तो उसने ऊपर करके देखा कि मैं देखता हूँ, तो इतने में ही वो गायब हो जाता है. उस बस वो एक क्विक लुक, केवल एक झलक ही देख पाता है कि एक ब्लैक एप लाइक फिगर है, कोई एप की तरह कोई है, उसकी ब्लैक फिगर है और वो एकदम से डिसअपियर हो जाता है, वहां से गायब हो जाता है. द नेक्स्ट डे डॉन फाउंड द क्रीचर्स फुटप्रिंट इन द स्नो. अब अगले दिन डॉन को भी वहां पर क्या मिलते हैं, उस क्रीचर के फुटप्रिंट्स मिलते हैं. दे वर अबाउट द सेम साइज एज हिज बूट प्रिंट्स. उसके भी जो फुटप्रिंट्स थे वो उसके बूट्स प्रिंट की तरह थे. द शेरपा गाइड टोल्ड हिम दैट द फुटप्रिंट्स वर दैट ऑफ अ बेबी येटी. अब वो जो शेरपा था वो बताता है कि ये बेबी येटी के फुटप्रिंट्स हैं. लेटर दैट नाइट, उस रात के बाद भी, डॉन सो द क्रिएचर अगेन, उसने उसको दोबारा देखा. ही वॉज लुकिंग आउट ऑफ हिज टेंट इन टू द ब्राइट मून लाइट वैन इट केम लोपिंग अलॉन्ग. अब क्या होता है कि जो डॉन था वो अपने टेंट से बाहर देख रहा होता है ब्राइट मून लाइट में, तभी उसको दिखता है कि कोई क्रिएचर है जो क्या कर रहा है, मूविंग और रनिंग विद जंपिंग स्टेप्स, बहुत जोर जोर से जंप करता हुआ भागता हुआ आ रहा था. शेरपा सॉरी, इट हेडेड फॉर अ क्लंप ऑफ ट्रीज एंड बिगेन पुलिंग द ब्रांचेस. Don grabbed his binoculars, but the creature suddenly noticed him and ran across the mountain and out of sight. अब जैसे ही डॉन ने उसको देखा वो अपने binoculars उठाता है, binoculars means दूरबीन उठाता है, लेकिन जो येटी था, जो वो creature था, वो notice कर लेता है कि मुझे कोई देख रहा है और वो वहाँ से गायब हो जाता है. The number of yeti sightings caught the interest of some scientists. अब ये जो येटी के बारे में सुन सुनकर जो scientists थे वो क्या हो जाते हैं, वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं येटी के बारे में और जानने के लिए. सो दे स्टडीड फोटोज एंड प्लास्टर कास्ट ऑफ येटी फुटप्रिंट्स एंड देन कंपेयर्ड देम विद अदर एनिमल फुटप्रिंट. तो वो उसकी फोटोज के बारे में, उसके फुटप्रिंट्स के बारे में स्टडी करते हैं और वो दूसरे एनिमल्स के फुटप्रिंट से उसको कंपेयर
करते हैं. दे डिसाइडेड दैट द येटी प्रिंट्स कुड नॉट हैव बीन मेड बाय अ बेयर एंड एप एंड एंटीलोप और एनी अदर नोन एनिमल. तो वो क्या डिसाइड करते हैं कि उनको स्टडी करने के बाद ये पता चलता है कि जो फुटप्रिंट्स हैं ये दूसरे एनिमल से मैच नहीं होते हैं, ना बेयर से, ना एंटीलोप से और ना किसी लापत से. अपार्ट फ्रॉम फुटप्रिंट्स, लिटिल एविडेंस अबाउट द येटी हैज बीन फाउंड. येटी फुटप्रिंट्स आर स्टिल बीइंग फाउंड इन फाउंड. अभी जो क्या होता है कि अभी भी येटी के फुटप्रिंट्स मिलते हैं. इन 1992 जूलियन फ्रीमैन एडवर्ड फाउंड फुटप्रिंट्स ऑन अ ग्लेशियर दैट नो वन हैड क्लाइम्ब फॉर 30 ईयर्स. जूलियन फ्रीमैन एडवर्ड जो थे उनको भी 1992 में येटी के फुटप्रिंट्स मिले. कहाँ पर? ग्लेशियर के पास, जहाँ पर 30 ईयर से कोई भी नहीं गया था. विल द मिस्ट्री ऑफ द येटी बी सोल्व? क्या जो ये येटी की मिस्ट्री है ये कभी सॉल्व हो पाएगी? व्हाट अ सॉर्ट ऑफ क्रिएचर इज इट? ये किस तरह का क्रिएचर है? वेयर डज इट स्लीप? ये कहाँ सोता है? हाउ डज इट फाइंड इन अ फूड टू सर्वाइव ऑन द स्नो कवर्ड माउंटेन्स? जहाँ पर हर तरफ माउंटेन्स पर बर्फ ही बर्फ है, वहाँ पर उसको अपने लिए इन अ फूड कैसे मिल पाता होगा? आर सम माउंटेनरीज गोइंग टू मीट अ येटी ऑन वन ऑफ देयर क्लाइंब? क्या कभी किसी को, क्या कोई माउंटेनरी जो माउंटेन्स पर आते हैं वो उसको मिल पाएंगे? किसको? येटी को. मे बी वन डे वी विल डिस्कवर द आंसर. शायद हमें एक दिन इसका आंसर मिल जाए. सो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट द फुटप्रिंट्स ऑफ येटी. थैंक यू. वॉच द वीडियो केयरफुली.